हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर वन मिलियन। आज की जो हम क्लास ले रहे हैं वो आपके लिए है, एक मोटिवेशनल सेशन है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि यार ऐसी क्या गलती क्या होती है और ऐसी क्या चीज़ है जो यार हम पढ़ने बैठते हैं, हमारा मन जो होता है और जो दिमाग होता है वो इतना डाइवर्ट होता है, कोई भी चीज़ हम ढंग से कर ही नहीं पाते हैं, है ना। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो हम जिस चीज़ जो हमारे चीज़ हमारे पास आ रही होती है, ठीक है, उसके अलावा हमसे कोई भी चीज़ करवा लो, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि अब बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, है ना। तो अब बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं लेकिन उनका बोर्ड की चीज़ों में मन नहीं लगेगा, उनकी बोर्ड की चीज़ों में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, उनकी किस चीज़ में मन लगेगा? अदरवाइज़ कोई भी एक्टिविटीज़ हो, इंसाइक्लोपीडिया रखी हो घर में, भाई साहब उससे पढ़ने का बड़ा मन करेगा, है ना। और इनफैक्ट कोई भी बुक रखी हो बोर्ड के अलावा, ठीक है, बोर्ड की बुक के अलावा कोई भी बुक रखी हो, उसे पढ़ने में जितना इंटरेस्ट आएगा ना, वो उस टाइम पे नहीं आएगा जिस टाइम पे बोर्ड होना है ना। क्यों होता है ऐसा यार? ये हम, है ना, अपने दिमाग को बिल्कुल भी एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, है ना, कि हमको ये करना है क्योंकि आपका कोई एम ही नहीं है। जो टॉपर बच्चा होता है ना, टॉपर इन द सेंस, कोई टॉपर अपने मतलब मम्मी के पेट से नहीं होके आता है, टॉपर जो होता है हर टॉपर हमें खुद बना जाता है। और टॉपर लोग जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, उनका मन जो दिमाग जो होता है वो डाइवर्ट नहीं होता, पहली बात, ठीक है। मन डाइवर्ट नहीं होता, देन उसके बाद वो लगे ही रहते हैं अपनी चीज़ों पर, ठीक है, वो लगे रहते हैं एक ही चीज़, उनको ये नहीं लगता कि ये भाई ये बोझ है हम पे, ठीक है। सबसे पहला बोझ मानना छोड़ो उस चीज़ को, और जिस टाइम पे जो करने का मन करे ना तुम वो कर लो, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारी टेंशन होगी ना वो बढ़ेगी, है ना, वो जो टेंशन बढ़ेगी, जब पता है आपको कि जब बोर्ड का एग्ज़ाम आता है, डेट शीट आ जाती है, देन उसके बाद हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो यार टेंशन हो गई, यार मैंने यार ये पढ़ ली जो मेरे काम की नहीं थी अभी, और मैंने वो पढ़ ली है, उसका कोई मीनिंग नहीं था, वो तुम्हारे दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे दिमाग मतलब जो मेरे काम की ही नहीं थी वो मैंने कर लिया है, ये तो बहुत ज़्यादा यार गलत काम हो गया। अब मुझे पढ़ना चाहिए, एक टाइम शेड्यूल, स्केड्यूल जिसे बोलते हैं हम लोग, कि स्केड्यूल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए अच्छे से। ये दिमाग में खुद लाना पड़ेगा और ये खुद आप खुद ही ला सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात, आई होप आपको छोटी सी बात समझ में आई होगी। जिस काम, जो भी काम करने का मन करे, जिस टाइम पे करने का मन करे, वो काम पहले करो, देन उसके बाद फिर सोचो 5 मिनट के लिए क्या मैंने वो सही करा, है ना। अगर सोचोगे देन उसके बाद आपको पता चलेगा, रियलाइज़ होगा वो चीज़ कि यार मैं सही था या गलत था, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मेरी बात ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, लाइक करना, अगर गलत लगी हो तो डिसलाइक करना, और सजेशन देना कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड होप यू डू वेल, एंड विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। ऐसी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए आती रहेगी। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना एंड कमेंट करना, और शेयर कर देना जो भी बच्चे को आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। बाय।